यूनिट नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शंस, तो सेट्स की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेरी डिफाइंड एंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो आपने लिस्टिंग की है जिन ऑब्जेक्ट की, एक तो उन्हें वेल डिफाइंड हो चाहिए, नेचर वाइज वो सेम होने चाहिए, और डिस्टिंग मीन्स एक जैसे नहीं होने चाहिए, जो आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो वो एक जैसे ना हो, तो इसे सेट्स कहते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स, मैं अगर कोई भी दो सेट्स ले लूं ए एंड बी, रिटन एज ए यूनियन बी, आप इस तरह लिख देंगे, इज द सेट, जब इनका यूनियन लेंगे तो आपके रिजल्ट में एक सेट आएगा, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। कहने का मकसद के आपके पास जो इन सेट्स के बिटवीन आप जब यूनियन लेंगे तो आपके जो रिजल्ट में सेट आएगा, रिजल्टेंट सेट जो होगा, फाइनली जो रिजल्ट आप फाइंड करने के बाद जो सेट आएगा उसमें ए के भी एलिमेंट होंगे, बी के भी, और बोथ के दे, मतलब दोनों के एलिमेंट्स नीचे आ जाएंगे। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का आपको वो कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह लिखते हैं, इज द सेट, मतलब उनका आफ्टर इंटरसेक्शन आपका जो रिजल्ट में सेट आएगा कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब आपके आंसर वाले जो आंसर में सेट आएगा उसमें बोथ सेट के कॉमन एलिमेंट्स होंगे सिर्फ। आज डिफरेंस ऑफ सेट, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे, इफ ए एंड बी आर टू सेट देन देयर डिफरेंस, अगर उसका डिफरेंस कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी या ओ ए स्लैश बी, स्लैश ये वाला लगाना है, इज द सेट, जब डिफरेंस ले लेंगे तो इज द सेट, जो सेट आएगा आंसर में ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए, उसमें वो एलिमेंट होंगे ए के विच आर नॉट कंटेन इन बी, मतलब ए सेट के वो एलिमेंट्स आपके रिजल्ट फाइनली जो सेट रिजल्ट में आएगा उसमें ए के वो एलिमेंट होंगे विच आर नॉट कंटेन बी, मतलब कहने का जो उसमें वो एलिमेंट होंगे जो बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे, जो बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे, आपने ए के अंदर से वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में बी के नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है, तो इफ यू इज यू बनाए, यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, याद रखना यूनिवर्सल सेट जब भी गिवन होगा तो उसके अंडर कंसिडरेशन जितने भी वो आपको सेट देगा, जैसे मैंने यहां पर ए लिखा है, अगर बी भी हो, सी भी हो, डी भी हो, वो सारे इसके यूनिवर्सल के सबसेट होंगे, जहन में ये बात क्लियर रखनी है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अगर ए का हम कॉम्प्लीमेंट लें, इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ यू, देखा आपने जो सेट आएगा उसमें यू के वो एलिमेंट्स होंगे विच आर नॉट कंटेन इन ए, जो ए में मौजूद नहीं ना हो, एंड इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर प्राइम लगा दें या ए के ऊपर सी लगा दें। ठीक है बेटा, आइए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, इफ x इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, और दूसरा सेट y दिया है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स आपने, और फाइंड क्या करना है, देन फाइंड नंबर 1 x यूनियन y और 4 पार्ट y इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, और आपको जो भी सेट्स गिवन है उन्हें टेबुलर फॉर्म में लिख दें, एक्स सेट आपका बनेगा प्राइम नंबर कौन से 17 तक के, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हों, टू फैक्टर्स हों, जो एक इटसेल्फ और एक वन हो, वन और इटसेल्फ, तो ये कौन से नंबर हैं, वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये आपके प्राइम नंबर है, मतलब के जो अपने ही टेबल में है, आप इस तरह भी कह सकते हैं, मतलब टू फैक्टर्स, असल सही मायनों में उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, जिसके टू फैक्टर्स हो, वन और इटसेल्फ, और वाई कैफ आपके पास फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर है, तो 1 2
थ्री के बाद फोर होगा, फाइव होगा, तो मैं सारे लिखने के बजाय ये 12th तक आ जाएंगे, सारे 1 to 12 इसमें सारे शामिल, डॉट का मतलब इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 चाहिए। अब आपने फाइंड करना नंबर वन एक्स यूनियन वाई, तो एक्स सेट उतारे, लिस्टिंग फॉर्म उसकी उतारे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, ये एक्स सेट आ गया आपका। इनके बिटवीन क्या लेना, यूनियन, और इधर वाई सेट आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू 12। यूनियन में बहुत सेट्स के एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट नीचे आंसर में आ जाएंगे, तो 1 to 12 सारे आ जाएंगे। 1 to 12 में ये 2 भी शामिल है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11 भी, तो ये हम सारे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और क्या आ जाएगा, 12 के बाद 13 भी आ जाएगा इसमें, यूनियन में बहुत सेट्स के एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, फोर्थ पार्ट उसने आपसे क्या पूछा है, वाई इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, तो आपने पहले वाई सेट उतारना है, वाई सेट क्या है, 1, 2, 3 अप टू 12 इंटरसेक्शन एक्स। एक्स सेट क्या दिया है, 2, 3 प्राइम नंबर्स का सेट है, 5, 7, 11, 13 और 17 तक, उसने यहां तक के प्राइम नंबर आपको कहा था लिखने का। तो इनमें देखें कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, तो बेटा इसमें कॉमन है 2, 3 भी कॉमन हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 7 भी और 11 भी। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। इफ यूनिवर्सल सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, आपने यूनिवर्सल सेट के अंदर नेचुरल नंबर लिख लें जो 3 से ग्रेटर हो और लेस देन इक्वल टू 25 हो, मतलब 3 से बड़े और 25 तक। एक्स सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम एंड जो एक्स है वो 8 से ग्रेटर है और 25 से छोटा है, प्राइम नंबर है, ध्यान में रखना है। वाई सेट दिया है बिलोंग किसको कर रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, और होल नंबर कहां से लिखना है, 4 to 17, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 17। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, लिस्टिंग करेंगे इनकी तमाम सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपको उसने दिया हुआ है नेचुरल नंबर का 3 से ग्रेटर, तो 4, 5, 6, 7 और ये इसी तरह चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, 25 तक। ठीक है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स ये आ जाएंगे। एक्स सेट आपको दिया हुआ है जो प्राइम नंबर आपने लिखना है कहां से, 8 से बड़े और 25 से छोटे, तो प्राइम नंबर 8 से बड़े क्या है आपके पास, 11 है, 13, 17, 19, 23, ये आपके प्राइम नंबर आ गए। वाई सेट आपको दिया है होल नंबर का और कहां से कहां तक लिखना है, होल नंबर 4 to 17 तक, तो इसमें आ जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8 और ये इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा।
और आपके पास लास्ट वन आ जाएगा 17। तो ये आपके तमाम सेट्स को हमने लिस्टिंग कर दी टेबुलर फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट आपको क्या फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको फाइंड करने के लिए कॉम्प्लीमेंट से पहले आपने ब्रैकेट के इनसाइड जो है वो फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो हम पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एक्स यूनियन वाई, एक्स सेट उतार लें, क्या है 11 13 17 19 23 यूनियन वाई क्या सेट दिया 4 2 17 दिया 4 5 6 अप टू 17 यूनियन लेंगे। तो बेटा 4 टू 17 तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसमें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 अंक सारे आ गए। 17 के बाद आपके पास और क्या यूनियन 19 भी आ जाएगा और 23 भी। ये एक्स यूनियन वाई का रिजल्ट आ गया। ठीक है, मैंने यहां पर सारी लिस्टिंग कर ली, आपको फाइंड क्या करना है। नाउ एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स यूनियन वाई। आपने यूनिवर्सल सेट में, ये यूनियन का नहीं है, यूनिवर्सल सेट का यू है, यूनिवर्सल सेट में से एक्स यूनियन वाई का आंसर माइनस कर देना है। ठीक है, तो आप देखें आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या दिया है 4 टू 25। ठीक है, तो 4 5 6 7 अप टू 25 माइनस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भी आ गया 17 19 एंड 23। ये माइनस के बाद वाले सेट्स के एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं, और ये 4 से 25 है। तो बेटा 4 टू 17 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। 17 के बाद इस सेट में क्या क्या रहेगा, फर्स्ट वन में जो माइनस से लेफ्ट साइड पर लिखे इसमें 17 में 18 आ जाएगा रिजल्ट में, 19 इधर मौजूद है वो भी कैंसिल, 20 आ जाएगा, 21 भी आ जाएगा, 22 भी आ जाएगा, 23 इधर मौजूद है वो भी कैंसिल हो जाएगा, 24 एंड 25 ये आपका आंसर आ जाएगा 18 20 21 22 24 25। ठीक है, ये किसका आंसर आ गया, एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। आज नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट जो था एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या था, ये ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने, तो ये था 4 टू 25, तो 4 5 6 अप टू 25 माइनस एक्स सेट क्या था,
11, 13, 17, 19 और 23, ये एलिमेंट आपने माइनस कर देना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर 4 भी आ जाएगा, 5 भी, 6, 7, 8, 9, 10, 11 माइनस हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 माइनस, 14 भी आ जाएगा, 15 भी, 16 भी, 17 कैंसिल हो जाएगा, 18, 19 भी कैंसिल हो जाएगा, 20, 21, 22, 24 एंड 25। ये आपका x कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब इसी तरह आपने y कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालना है। y कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस y सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आपने 4 to 25 है, फोर फाइव सिक्स अप टू 25 माइनस वाई सेट क्या था आपके पास, वाई सेट देख लें आप 4 to 17 था, फिर भी आप चेक कर सकते हैं वाई सेट था 4 to 17, ठीक है 4 to 17। फाइव सिक्स अप टू 17, तो आपने 4 to 17 इस फर्स्ट सेट में से कैंसिल कर दें तो आगे क्या बच जाएगा, नेक्स्ट कौन कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो ये आपका वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर है और ये ऊपर जो है एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। इनके बिटवीन आपने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। नाउ फाइंडिंग एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट ऊपर से देख के उतार लें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 एंड 25। ये आ गया एक्स कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसके साथ, वाई कॉम्प्लीमेंट के रिजल्ट के साथ, तो ऊपर से वो भी उतार दें, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, लास्ट वन ये आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो एक जैसे एलिमेंट जो है कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वो आंसर में लिखना है आपने, तो वो आ जाएगा आपके पास 18 कॉमन है, 20 कॉमन है, 21 भी कॉमन है, 22 भी दोनों में एक जैसा है कॉमन है, इनमें देखें 22 भी कॉमन है, फिर 24 एंड 25, 24 एंड 25 ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट देखें, 18 बोथ में 18 18 है, दोनों में 20 20 भी मौजूद है, 21 भी मौजूद है, 22 भी मौजूद है, 24 भी 20, ये आपका सेकंड पार्ट का भी रिजल्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स इक्वल टू 2, 4, 6, 2 का टेबल लिखा है 20 तक, सही है।
सही है, 2 4 6 6 के बाद 8 हो जाएगा, फिर 8 के बाद 10 12 एंड सो ऑन 20 तक लिखना है, फिर y इक्वल टू 4 8 12, 4 का टेबल लिखा है, 20 जो 4 के टेबल में कहाँ पर 24 जहाँ पर आता है वहाँ तक लिखा है, तो हमने फाइंड क्या करना है x माइनस वाई। तो आपने क्या करना है, इसे सॉल्यूशन लिख के पहले मैं x सेट उतार देता हूँ, उसको मजीद डॉट के बगैर लिखेंगे तो याद आएगा 2 4 6 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 12 14 16 18 एंड 20, ये 2 का टेबल। फिर वाई सेट आपको दिया 4 का टेबल, 4 8 12 16 20 एंड 24। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंडिंग एक्स माइनस वाई। तो एक्स सेट आपको क्या है वो उतार दें ऊपर से देख के, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 माइनस क्या है आपके पास, 4 8 12 16 20 24। तो माइनस के बाद वाले सेट के एलिमेंट आपने नहीं लिखने हैं, तो इन्हें आपने कैंसिल कर देना है फर्स्ट वन से, एक्स सेट में से वाई सेट के एलिमेंट को कैंसिल कर दें और जो रिमेनिंग एक्स में रह जाएंगे वो लिख दें। तो क्या क्या है रिमेनिंग, 2 है, 6 है, 10, 14, 18। देखें 2 2 आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा और 20 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया एक्स माइनस वाई के। इस तरह बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपने मजीद क्वेश्चन जो भी हैं आपको इसमें लेफ्ट हैं वो आपने होमवर्क में भी कंप्लीट करना है और इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अल्लाह हाफिज़।